नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव क्यों त्रिपुरारी कहते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का त्रिपुरारी नाम भी पड़ा। भगवान शिव ने कैसे किया त्रिपुरारियों का नाश, तो आइए जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के तीन पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलकाक्ष व विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ली। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब तीनों ने ब्रह्मा से कहा, आप हमारे लिए तीन नगरों का निर्माण करवाइए, हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें, 1000 साल बाद हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों नगर मिलकर एक हो जाएं, जो देवता उन एक ही बाण में नष्ट कर सके वही हमारे मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलकाक्ष व विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का और लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरारियों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्र व सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंजा। स्वयं भगवान विष्णु वाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरारियों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों में देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य वाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरारियों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमें कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। धन्यवाद।